तुम मोटो ब्लॉग नहीं कर सकते। ये डिस्कवर का कमबैक होने वाला है कुछ ही दिनों में, बट क्या करेगा आदमी, देखो हालत। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है शुरुआत हो रहा है भालीगंज से, कहे के लिए पानी भी बहुत जोर गिर रहा था। बारिश के कारण आपको काफी ज्यादा मजबूरन जो है मोटो ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। बारिश जो है आपको काफी ज्यादा लाचार और मजबूर कर देती है, क्योंकि तुम मोटो ब्लॉग नहीं कर सकते, यही सब मसला है। क्या बोलोगे बोलो ना, ऐसे यहाँ देखो काम मालूम क्या कर रहे लोग, पता नहीं बाबा क्या होगा। तो यहाँ रुकते हैं सिग्नल में भाई, अभी हम दुकान आ गए। अरे यहाँ भाई लोग बोल रहा क्या हुआ भाई, कैमरा वैमरा लगा के नहीं, हम लोग अरे पानी गिर रहा है क्या कैमरा लगाएंगे। बोला बात तो सही है, 10 मिनट का शूट का चलते 40,000 रुपया लॉस, सही बात है। अभी दुकान खोलते हैं, हाँ कल करना सही है, एक दिन दो दिन डिले होता तो क्या बोले। वीडियो तो आप लोग को मिल ही जा रहा है कि ना, फोन से वीडियो तो बना ही भाई लोग भी देखते है, पता है तुमको। यहाँ एक बारी बाइक देखो भाई, हमको समझ में नहीं आया, जब भी हम चेन को ल्यूब करें ना भाई, पानी कितना जरूरी है, क्या करेगा आदमी, देखो हालत। दिल में लगे भाई सब, पता है सब गंदगी जो है ना डायरेक्ट दिल में जागे भाई। आगे बारिश अच्छा लगता था, लेकिन अब बारिश अच्छा नहीं लगे इसको भी हमको भी। 6 hours later अभी बज रहा है शाम का 5:30 और सुबह से जो है कंटिन्यूसली पानी गिर रहा, तो पानी गिर रहा। अभी जो वेदर है ना देख रहे हो, हेवी वेदर है, अभी भी पानी छूटा नहीं है। तो आज का ब्लॉग लग रहा है पूरा चौपट होने वाला है, मोटो ब्लॉग कहीं के लिए जाने टाइम भी हमको लग रहा पानी गिरेगा। रेनकोट तो पहन के, रेनकोट तो लेके आया है, देखो हवा चल रहा है हेवी। और क्या चाहिए, ये देखो बारिश, ये देखो चाय, ये देखो ब्लॉग। और क्या लेगा आदमी, ऊपर वाला बुरा मान गया, पानी और ज्यादा तेज हो रहा भाई, क्या होगा यार। मेरा चेन लिप क्या था बोलो, जब सब चेन लिप करे तब पानी स्टार्ट हो जाए, क्या करेंगे, चौपट हो गया। देखिए कैसा ब्लॉग अपलोड करने पड़ेगा। पानी छूटने का इंतजार में और मोटो ब्लॉग का आश्रय में बच चुका है रात का 8, अभी कोई हिसाब नहीं है यार, कोई हिसाब नहीं है। आज का ब्लॉग एकदम पूरा चौपट हो गया है, ब्रिज का नीचे से भी जागी नहीं कर सके, काहे के लिए जाते जाते हेलमेट भींग जाएगा, माइक वाइक अगर भींग जाएगा, अगर माइक समझ जाना जरा सा भी मीडिया मोड में पानी चले गया पूरा बेकार हो जाएगा। कोई गारंटी वारंटी नहीं है, पहले लिखा हुआ है पानी जहाँ चले गया कोई गारंटी वारंटी नहीं, भीतर लग जाइएगा आप। हम सोच रहे अभी जैसा बना रहे यही सब डाल देंगे। पूरा तूफान बारिश से लड़ते हुए हम जो है घर आ जाते हैं, और उसके बाद जो है फुल पैकिंग वैकिंग कर दिए हैं, ये देखो फुल पैकिंग वैकिंग कर दिए है। अरे रही हमारी डिस्कवर भाई, बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिला होगा डिस्कवर को, यही डिस्कवर का कमबैक होने वाला है कुछ ही दिनों में, बट इसको लेके जाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, जल्दी डिस्कवर का कमबैक होगा देखते हैं, लेकिन जल्दी इसका कमबैक करना है इसको। जब जट प्रभजोत भाई हमारे स्प्लेंडर लेके लद्दाख जा सकते हैं, याद नहीं है हमको कितना सुपर बाइक है, सोचो वो बंदा स्प्लेंडर लेके लद्दाख जा सकता है, तो हम लोग डिस्कवर लेके व्लॉग करने में सोचते हैं यार ऐसा भाई क्या आस्ती है ये वो। लेकिन अब डिस्कवर का कमबैक होने का टाइम आ चुका है, एकदम डिस्कवर में व्लॉग मिलेगा आप लोग को बैक टू बैक। तो फिलहाल अब क्या कर रहे हैं, जो व्लॉग है इसी को आप लोग देख लोगे, और हमको स्किप नहीं करना था कोई भी दिन की, कोई भी दिन ऐसा नहीं हो कि स्किप हो। तो फिलहाल अब इसी को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो डिस्कवर कमबैक। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो